ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भावै एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते त्रिभिः गुणमयैः गुणविकारैः रागद्वेषमोहादिप्रकारैः भावैः पदार्थैः एभिः यथोक्तैः सर्वमिदं प्राणिजातम् यथोक्तैः सर्वमिदं प्राणिजातं जगत्मोहितम् अविवेकताम् आपादितं सतं न अभिजानाति माम् एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादि सर्वभावविकारवर्जितम् इत्यर्थः कथं पुनः दैवीमेतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवी मायामतिक्रामन्तीति उच्यते दैवौ देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता हि यस्माद् एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्या दुःखेन अत्यतः अतिक्रमणं यस्याः स दुरत्या तत्र एवं सति सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एवं मायाविनां स्वात्मभूतं सर्वात्मिना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम् एतां सर्वभूतमोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति संसारबन्धनात् उच्यन्ते इत्यर्थः तो ये चैव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये अर्जुन यह जो सत्वगुण है रजोगुण है और तमोगुण है इनके बारे में एक सच्चाई ये जानना ये मेरे कारण हैं मैं इनके कारण नहीं हूँ वेदांत की दृष्टि से कहते हैं न त्वहं तेषु ते मयि मैं इनके अंदर नहीं गया हूं ये मेरे अंदर गए हुए हैं इसको समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया गया वो जल और लहर का एक अज्ञानी को ये लग सकता है कि लहर में जल गई है लेकिन जो मैच्योर पर्सन है उसको ये समझ में आता है कि लहर में जल नहीं है बल्कि जल में लहर है दोनों में अंतर दिखता है ना जल में लहर गई है लहर में जल नहीं है ये त्रिगुणों में मैं नहीं गया हूं ये त्रिगुण किस में गए हैं मुझ में गए हैं तो इनकी इनको सत्ता देने वाला इनके पीछे आधार देने वाला यदि कोई है वो तो कौन है वो मैं हूं मेरे कारण इनका अस्तित्व है लेकिन दुनिया को ऐसा लगता है
कि इनके कारण मेरा अस्तित्व है। एक सरल सच्चाई देखो आप देखने की। हमको लगता है कि पेड़ है, एक सिंपल सा दृष्टांत लें, कहूं कि पेड़ है तो सत्ता किसकी हुई? पेड़ की। तो व्यक्ति जो सरल शब्दों में कहता है वो यही कहता है कि पेड़ की सत्ता है, पेड़ का एग्जिस्टेंस है। लेकिन वेदांत कहता है पेड़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पेड़ का एग्जिस्टेंस है तो माइक का एग्जिस्टेंस है तो कितने सारे एग्जिस्टेंस होंगे? वेदांत कहता है एग्जिस्टेंस में पेड़ है। थोड़ा पलट के देखिए नजर, पेड़ का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में पेड़ है। जगत का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में जगत है। लहर में समुद्र नहीं, समुद्र में लहर है, जल में लहर है। ये कुछ आपको अलग दिखता है इसमें? क्या कहा जा रहा है? सामान्य तरीके से जब व्यक्ति वेदांत पढ़ता है तो वो यही बोलता है कि इसकी सत्ता, उसकी सत्ता, इसका एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस। अगर इसका एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस, तो कितने एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस कहने से फायदा क्या हुआ? अभी तो ये कहना कि उस अस्तित्व में पेड़ है, एग्जिस्टेंस में वृक्ष है। बोले ये कैसे समझे? एग्जिस्टेंस ही वृक्ष के रूप में दिख रहा है। क्या कहा गया? एग्जिस्टेंस ही वृक्ष के रूप में दिख रहा है। वृक्ष चला जाएगा तो भी एग्जिस्टेंस रहेगा। कैसे रहेगा? पेड़ चला गया, कट गया, अब क्या बचा? लकड़ी। पेड़ है, पेड़ कट गया, अब क्या बचा? लकड़ी। लेकिन जो है वो था, वही है, वही है, अभी भी बचा, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। अच्छा, लकड़ी से फर्नीचर है तो भी है पना, लकड़ी राख बन गई, राख है, राख कहां चली गई? गंगा जी में, गंगा है। अब लो जी, एक बार भी अपनी बुद्धि से है को हटाकर देखो आप। यहां तक कि हम और आपको यह अनुभव भी नहीं होता है कि मैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मैं हूं। अच्छा, मान लो कोई मूर्खाधिराज निकल ही आए जो ये बोले कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं कहने के लिए भी, कहने के लिए कोई व्यक्ति को, सोच के देखो, मैं नहीं हूं ये कहने के लिए भी किसी को होना चाहिए? तो जरा सिद्धांत समझना, अस्तित्व का नाश करके दिखाओ। ध्यान रखना, नाश नाम और रूप में कर सकते हैं, उसकी छूट है। उसका शेप बिगाड़ लो, उसका नाम दे लो, ये चलेगा। लहर है, बड़ी है, छोटी है, दूसरा ले लें। मिट्टी में, मतलब मटके में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में मटका है। तो मटके का नाम बदल सकता है, सकोरे का नाम बदल सकता है, कुल्लड़ का नाम बदल सकता है, दिए का नाम, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मिट्टी
अब फिर से देखना ये चीज, अस्तित्व एक है, उसी एक अस्तित्व में जो ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब बुलबुले हैं, बुलबुले। और ये बुलबुले अगर निकलते भी हैं तो किससे निकले, और लय भी हो गए तो किसमें, और जब बुलबुला लय भी नहीं हुआ और पैदा हो गया उसके बाद भी ये जीवित किसके कारण है, अस्तित्व के कारण। बट वो अस्तित्व इतनी जल्दी दिखता। तो वेदांत की इस दृष्टि को पहचाना, पेड़ का अस्तित्व नहीं, लहर का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में, तो अस्तित्व ही पेड़ के रूप में दिख रहा है। अब ईश्वर पे आ जाना, वही अस्तित्व ही राम के रूप में दिख रहा है। एग्जिस्टेंस एक नाम और रूप के एक फॉर्म में आ गई, उस फॉर्म को क्या कह दिया, राम। उस फॉर्म को क्या कह दिया, कृष्ण। उस फॉर्म को क्या कह दिया, मनुष्य। लेकिन इन सभी के पीछे जो कॉमन है वो क्या है पता है, एग्जिस्टेंस। और देखना है तो आप किसी भी एग्जिस्टेंस का नाश करके देखो, ट्राई, अच्छा दिमाग में लाओ, करो ना कुछ ऐसा, करो कि इस अस्तित्व को समाप्त कर दो, जहां ये दिखे, जहां ये दिखे कि ये अस्तित्व नहीं है। कोशिश तो करो आप, हाँ है को नाश करके दिखाओ किसी चीज के। ट्राई करने में आप कर थोड़ी ना पाओगे, लेकिन कोशिश तो कर लो एक बार। है कुछ भाई जहां आप नाश कर लो इसका, नाश करने का मतलब बिना हटा के आप देख लो उसको। तो उसके बिना उस चीज को हम प्रकाश में देख सकते ही नहीं, जब तक उसके पीछे अस्तित्व नाम की चीज ना हो। देखो भगवान कहते हैं वह जो अस्तित्व है वह कौन है, वह मैं हूं। मेरी तरफ किसी की निगाह नहीं है, निगाह मेरे पर्दे के ऊपर चल रहे चित्र पर है, पर्दे पर किसी की निगाह, जबकि सब रोना गाना उठना किसके ऊपर हुआ, लेकिन पर्दे को किसी ने नहीं जाना, देखते हुए भी नहीं देखा, देखते हुए भी नहीं देखा, जानते हुए भी नहीं जाना। अब उन जो पिक्चर चली उन सभी दृश्यों को अस्तित्व देने वाला कौन था, पर्दा, ठीक है। और वह दृश्य नहीं है तो भी वो पर्दा, और वो नहीं आए थे तब भी पर्दा। जैसे पर्दे के ऊपर चित्र है, ऐसे ही उस अस्तित्व के ऊपर हम और आप हैं। देखो जी अभी चित्र क्या है, बोले सात्विकाः राजसाः तामसाः ये मत्त एव एति, ये मेरे कारण हैं, मैं इनके कारण नहीं हूं। इसलिए कल जो स्टेटमेंट लोग जनरली, जगत के कारण ईश्वर है, ऐसा नहीं है, उसके कारण जगत है, जगत के कारण ईश्वर है। तो पहले किसको होना पड़ेगा, सोच के जाना, देखो जगत के कारण ईश्वर है तो पहले कौन होगा, जगत पहले होगा
तो फिर बनाया किसने जगत को? ना ना, तो ये ध्यान रखना, जगत रहे और चाहे जगत, उसके पीछे एक सत्ता है। वेदांत कहता है जगत नहीं है तो भी इसमें क्या लगा है आखिरी में? है, देखो तब भी वो है, तब भी वो है। और थोड़ा तार्किक बुद्धि वालों के लिए, जब कोई चीज कहीं लय होती है तो किसी चीज में ही तो लय होगी, एब्सेंस में तो लय नहीं होती ना। ये चीज उठी और लय हो गई, लय होने के लिए भी कोई चीज होनी, जिस चीज में लय हुई वह अस्तित्व है। हो गया, सात्विकाः राजसाः तामसाः मत्तैवेति तान विद्धि। अर्जुन इनको जानो, मैं इनमें नहीं, ये मुझ में है। अच्छा, अब यहां पे बहुत ही सुंदर भगवान ने एक दुखी भावना अपनी व्यक्त की। क्या बोलते हैं? सर्वम इदम सर्वम जगत मोहितम न अभिजानाती। देखो जी, इसमें कोई भी व्यक्ति मुझको ठीक से नहीं जानता है। देखो जी, न अभिजानाती। अर्जुन, दुख प्रेम का सबसे बड़ा दुख का लक्षण यह है कि मैं जैसा हूं वैसा मुझको कोई जानता ही नहीं। मेरे सब एक बाहरी रंग रूप आकार को दुनिया जानती है, लेकिन मुझे ये कोई नहीं जानता कि मैं हूं क्या। और जब उसको ये समझ में आता है, समझ में आता है मुझसे वास्तविकता में प्रेम करने वाला कोई नहीं, क्योंकि असलियत में मुझे कोई जानता ही नहीं। जरा देखना, न अभी जानाती, ये शब्द लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? न अभी जानाती, मुझको नहीं जानता है। बोले, आपको क्यों नहीं जानता है? बोले, मोहितम। देखो जी, बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब न जानने का जो कारण है वो क्या है? मोह। तो सही जानने का कारण मोह का ना होना। समझना इससे एक सारांश क्या कहा जा रहा है, मुझे कोई व्यक्ति नहीं जानता है क्योंकि वो मोहित है। अच्छा, इसका उल्टा कर लें, मुझे फिर कोई जानेगा कब? जब वह व्यक्ति मोहित। और कल मैं आपसे कह रहा, मोह का अर्थ है याथात्म ज्ञान। मोह का अयाथात्म, जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना मोह का लक्षण है। तो इसको जरा गांठ बांध लो आप, जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना ये मोह के कारण ही है। अब मेरा स्वार्थ, मेरी चाहत, मेरी इच्छाएं, हम इसके कारण उस चीज को वो नहीं देखना चाहते जो चीज वह है। और अगर वो चीज कोई कह देता है तो फिर मेरा दुश्मन बन गया। देखो जी, दुश्मन बनने का कारण क्या? उसने उस सत्य को बोल दिया, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है उस सत्य को क्या करना चाहता है? वो ढकना चाहता है। ये घर घर की भी लड़ाई यही देखना, जो चीज जैसी है उसको आखिर वैसा क्यों नहीं जानना चाहता? प्रश्न ये, क्योंकि व्यक्ति ने ऊपर एक जो कवरिंग शेल बना के रखा है उसी से वो क्या है पता है? बड़ा प्रसन्न है। अगर वो पर्दा, वो शेल हटा तो जो सच्चाई है वो। और आपको पता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, क्या कहा जाए,
वो अब हिंदी में तो यही कहेंगे इंक्वायरी से बहुत भागता है, बेईमान व्यक्ति इंक्वायरी से बहुत भागता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि इंक्वायरी हुई तो मेरे जो राज हैं वो क्या हो जाएंगे। और मैं देखा है ऐसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं, ये भी आपको बताऊं, ऐसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं क्योंकि उनकी प्रे में सिर्फ प्रेयर में सिर्फ एक डिमांड होती है, किसी तरीके से मुझे बचा। मतलब व्यक्ति जो करता है ना कि सामने से किसी पुलिस की गाड़ी गई और वो जिसके घर के से गुजरी उसको हार्ट अटैक आ गया, अब वो ढूंढ किसी और को रही थी, लेकिन इसको क्या लगा, क्यों वो, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा अभी एक बड़ा अच्छा आता है सेल टैक्स का, सर्विस टैक्स का, वो ढूंढ रही थी किसी को और उसने भरा नहीं था तो डर के अंदर कौन बैठ गया जाके, वो बात कहावत ही गई चोरी की चोर की दाढ़ी में, क्यों डरना। प्रश्न ये, यदि मैं सच हूं ईमानदारी में हूं मैं क्यों डरूंगा। और नहीं डरेगा, मैं आपसे बताऊं इसलिए ऐसा व्यक्ति ईश्वर से भी नहीं डरता, क्यों डरे, ईश्वर से भी नहीं डरता क्यों डरे। डरता वही है जिसने कुछ गलत किया है। देखो क्या गलत किया, वो विषय जाने, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहता जो सच्चाई है। इसको बोलते हैं मोहित हो जाना, हर दृष्टि में देखना, और कहीं झगड़े के जड़ में सब में मोहित का भाव है। रस्सी को रस्सी ना जान के सर्प जाना, स्त्री को स्त्री ना जानकर कुछ और जाना। देखो जी हर जगह आप समाज की व्यवहार की समस्या ले लो, मोहितम ना भी जानाती, ये भगवान का एक स्टेटमेंट है। मोहित व्यक्ति मुझको नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। किसी ने प्रश्न किया भगवान, लास्ट क्वेश्चन, ये व्यक्ति, हाँ ये व्यक्ति मोहित क्यों हो गया, यह व्यक्ति मोहित क्यों हो गया, किसने किया इसको मोहित। भगवान बोलते हैं उसका भी कारण बताता हूं, त्रिभिर गुणई, मिल गया, त्रिभिर गुणई मयई भावई ए भी, त्रिगुणों ने, त्रिगुणों के भाव ने, त्रिगुणों ने इसको क्या कर दिया, मोहित कर दिया। देखो जी बहुत ध्यान से समझना इसको, ना भी जानाती क्यों नहीं जानता, बोले मोहित है। ये क्यों नहीं सच को समझ पाता, क्योंकि सच को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि ये तीनों गुणों से हाँ फंसा हुआ है चक्कर में, किसके, सत्वगुण रजोगुण हाँ तमोगुण। ये बहुत अच्छा विश्लेषण बाद में आने वाला है। अब आपको लगेगा सत्वगुण, हाँ सत्वगुण भी व्यक्ति को बांध लेता है। सत्वम सुखे संजयति, सात्विक व्यक्ति कभी अपने आप को गलत मानता ही नहीं, आई एम ऑलवेज राइट। देखो ये उसको एक अभिमान है, किस चीज का, मैं बौद्धिक हूं, मैं साधक हूं, तो मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाह, ये भी गया इसका मतलब। एक मैं यहां कह रहा हूं ना शायद यहीं पे, कि एक को लोहे की जंजीर से बांध दिया और एक को सोने की जंजीर से, लेकिन कॉमन ये कि दोनों ही बंधे हैं, चाहे सोना हो और चाहे लोहा हो, ये लोहे की जंजीर से बंधा है। किस बात का अभिमान, मैं सत्वगुणी व्यक्ति हूं, सत्वगुणी हो, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं पूजा पाठ करने वाला हूं। देखना
तो वो अपने आप में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं लेता है। लोग बोलते हैं ना, इतने धर्म के प्रवचन होते हैं, लोग सुधरते क्यों नहीं है? एक प्रेस वालों का ऑलवेज ये कॉमन क्वेश्चन है। आप किसी भी बड़ा कथा में जाओ तो उनका पहला प्रश्न ये होगा कि इतनी कथाएं होती हैं तो फिर सुधरता क्यों नहीं? उसका कारण है कि वो जो लोग बैठते हैं उनको लगता है ये बात हमको लिए नहीं, किसके लिए कही जा रही है, वो उसको सोचता है इसके लिए कही जा रही है। और ऐसा करते करते वो जो क्राउड है वो एक दूसरे के सर पे वो टोपी क्या करती है, और सब अपने आप को पाते हैं कि मैं तो कैसा हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, ये जो नास्तिक व्यक्ति है ना ये इसको बोला जा रहा है, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सात्विक हूँ। यह भाव भी आना कि मैं सात्विक हूँ, ये भी दिखाता है कि आप बहुत ज़बरदस्त इसमें जकड़े गए हो। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत है जड़ भरत का। भाग कर वो किसी आश्रम में रहते थे ना, तो एक हिरन के बच्चे से आसक्ति हो गई, दुनिया को छोड़ आए, लेकिन आप कहाँ फंस गए, और उसके एवज में उनको क्या बनना पड़ा बाद में, हिरन। देखो जी, अब मैं तो मजाक में कह रहे हैं, अब वहां हिरन था और अभी अब अपना अपना जानना, जो इसके घर में जो हो वो हिरन बने, आप अगले जन्म में क्या बनोगे? ना तादात में कि सब कुछ बदल दिया जिंदगी को उसने, सोचो आप, तो मोह का केंद्र वो है और कुछ नहीं है। जब उस सत्य के जानने में जो रुकावट आए, ध्यान रखना इसकी परिभाषा कभी आपको दिएगी जानने के में, सत्य को जानने में जो रुकावट आए वही पाप, वही माया, वही अज्ञान है। अगर आप खुद आपकी नींद आलस से प्रमाद आता है तो वही बाधा है। अभी तो यहां ही देखो आप, त्रिबिर गुण मयई भावई ही, ये जो तीनों गुण हैं अर्जुन, इनके कारण व्यक्ति क्या है, मोहित है। देखो जी, बोले इनको मोहित तीनों गुणों ने कर दिया, बोले हां, ये तीन गुण ही व्यक्ति को मोहित करते हैं, यही मेन कल्प्रिट हैं, इनको पहचान लो तुम अच्छे से। नाम ही भगवान ने ले लिया, त्रिभिर गुण मयई ही भावई ही। देखो अब जब इसका और अच्छे से भाष्य चलिए देख लीजिए, एक है पदार्थ और एक है अंतःकरण, दो चीजें हैं। ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा इसलिए नहीं, गुणमयी ही गुण विकारई ही। देखो जी, गुणमय का अर्थ है सत्व गुण नहीं मोहित करता, सत्व गुण का जो विकार है, रजोगुण नहीं, रजोगुण का जो विकार है, तमोगुण तो नाम के लिए है, तमोगुण का जो विकार है वो। अब जैसे उदाहरण दिया गया गुणमयी ही, भाष्य देख रहे हैं आप, गुण विकारई ही। अब कौन से गुण विकार, राग द्वेष मोहादि प्रकार ही। देखो जी, आप किसी को नहीं कह सकते कि रजोगुण से ये वो है, आप क्या कहेंगे, व्यक्ति द्वेष करता है, गुस्सा करता है, मोहित है, ये लक्षण दिखेगा। भावई है, भावई मतलब पदार्थ ही है। मोह के दो चीजें, एक अंदर और एक बाहर, बाहर के पदार्थों से भी व्यक्ति मोहित है। कैसे, कोई क्लू दे सकते हैं? बाहर के पदार्थों से भी व्यक्ति मोहित है। ध्यान से रखना, भावई का जो अर्थ किया है भाष्यकार ने, वो मन की वृत्तियां नहीं किया है, ध्यान रखना, मन के भाव मत समझ लेना आप, उल्टा सीधा अर्थ मत करना। जनरली भाव का अर्थ क्या आप ले लेंगे, इमोशंस, नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं किया है, पदार्थ ही है। पदार्थ ही मतलब बाहर,
यह पदार्थ वास्तव में नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी ये भासित क्या होता है कि ये वास्तव में है, तो इसको क्या कहेंगे, इस पदार्थ ने मुझको क्या कर दिया, मोहित कर दिया। ये यहां पे नहीं है, लेकिन नहीं होने के बाद भी ये दिखाता क्या है कि मैं यहां पर हूं, इसका मतलब इस पदार्थ ने आपको क्या कर दिया, पकड़ में आए क्या, बाहर पदार्थों का मोहित होना। इनकी सत्ता बाहर नहीं है, असत्तावान होते हुए भी ये सत्तावान दिखाई देते हैं। ये किसका मोहित हो गया, गया बाहर का, मतलब ये जो जगत है ये हमको क्या लगता है कि बड़ा 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 क्या ठोस सत्य लगता है, जबकि ये वास्तव में एक बुलबुले की तरीके से है, बुलबुले की तरीके से। और भगवान कभी कभी प्रलय और तूफान और ये जो आप दिखाते हैं वही दिखा देते हैं कि एक सेकंड में ही पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, कितना कहीं 5 मिनट का टाइम मिल जाए तो पूरा का पूरा, तो एक सेकंड में इतना जो ठोस सच्चाई है। अच्छा ये भी देखना, अभी मैं इतना ही इस पर कह सकता हूं, विज्ञान ने इस बात को माना है, जिस जिसको मैं ठोस कहता हूं वो चीज अंदर से खोखली है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये ठोस है, ठीक है, दिखता ऊपर से क्या है, ठोस, ये अंदर से खोखला है। शरीर ऊपर से क्या लगता है, ठोस, अंदर से खोखला है। वो साइंस में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब इनके भी आप अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा इनके अंदर स्पेस है, स्पेस मतलब खोखलापना। ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, जिसको हम ठोस समझते हैं वो सब की सब चीजें अंदर से खोखली हैं। त्रिविर्गुणमय भावैहि एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति, हो गया, मोहितम न भी जानाति एभ्या यथोक्तेभ्या गुणेभ्या परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम च अव्ययम। आप मुझको कोई नहीं जानता, ये भगवान का बड़ा रोना है। अच्छा आप कैसे हो, आप ही बता दो, आप ही बता दो आप कैसे हो। बोले मैं अव्ययम, अजम, मेरा जन्म वास्तव में हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लोग क्या समझते हैं कि मेरा जन्म, देखो जी अगर मेरा जन्म हुआ तो फिर तो मैं सिर्फ अयोध्या में हूं, यहां तो फिर मेरा जन्म काशी में हुआ तो मैं यहां हूं और यहां तो, तब अज्ञानियों के बोले क्या बोले, उनको लगता है कि मेरा ये लिखना, यहां पर लिखा है जन्म आदि सर्व भाव विकार वर्जितम। देखो जी ये किसका अर्थ है, व्यय का, मिल रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ और मैंने सचमुच में ये सब किया, बोले वो सब के सब क्या है पता है, मोहित हैं, मुझको जानते ही नहीं कि मैं हूं क्या। देखो जी भाई ये भगवान का बड़ा रोना है कि जो असलियत है मेरी वो कोई समझता ही नहीं। अब अर्जुन के मन में आया, भगवान आपने क्या बोला, मैं नहीं जानता हूं, क्यों नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं मोहित हूं। मैं मोहित क्यों हूं, क्योंकि आपने क्या बोला, तीन गुण। बोला आप मुझे डिटेल बताइए ये क्या है। अब भगवान बड़ा खोल के इसको बोलते हैं, अर्जुन देखो आप ये जो त्रिगुणों के बारे में है पहली बार गीता में भगवान अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं आपने देखा आज तक अभी। अब शुरुआत से आप देखना तो सिर्फ प्रकृति बोली, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति में भी क्या बोली, 8 चीजें, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अव्यक्त, ये देख लिया, वहां पे भी कहीं नहीं आया त्रिगुण का नाम। और परा प्रकृति क्या बोली, जीव, वहां पे भी नहीं आया। ये स्टार्ट कहां से हुआ है, 12वें श्लोक से भगवान ने चालू किया है। देखो
और अब खोल के रखते हैं ये क्या है सत्व रजतम। देखो जी, पहली बात, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया। देखो अब इसको अच्छे से एक दो वाक्यों को समझ ले। एक तो ये मेरी माया है, भगवान पहले ही बोल देते हैं। मेरी मतलब इसी त्रिगुण को ही माया कहते हैं, याद रख लेना आप। ये जो लोग वेदांत में भी बोलते हैं ना, माया तीन प्रकार की, माया के तीन लक्षण, ये सही नहीं है। सत्व ही माया है, रज ही माया है और तम ही माया है, ना कि माया के तीन लक्षण। जैसे गुलाब सुगंधित है और गुलाबी है, ये गुलाब का क्या हो गया, विशेषण। ऐसे माया तीन प्रकार, ऐसा नहीं है। माया को ही त्रिगुण कहते हैं और त्रिगुण को ही माया कहते हैं, ठीक है। तो ये कभी आप डिस्कस मत करना इस भाव में कि तीन गुणों, इनका तीन गुण है ना, तीनों गुणों को ही एक शब्द में क्या बोल देते हैं, माया। इसलिए भगवान शब्द क्या बोलते हैं पता है, मम माया। अच्छा, पहली बात, ये जो माया है त्रिगुण, ये किसके त्रिगुण है, ये तुम्हारे नहीं है, ये किसके हैं, मेरे। तो मतलब मम माया, और मम माया से मैंने आपको पहले भी बोला था, इसका अर्थ ये है इनको सत्ता, ये स्वतंत्र नहीं है, कौन, ये इसे समझना है। ये जिसको चाहे उसको परेशान कर दे, ये नहीं कर सकती। इसका जो मालिक है वो कौन है, मैं हूं। इसीलिए तो पूजा भगवान की करनी पड़ती है, ना कि, और हमको कौन अच्छा लगता है तो हम उसी की पूजा करने लगे। यही भगवान यहां कहना चाह रहे हैं, इनका जो मालिक है वो मालिक मैं हूं। मेरे अधीश, जो आज मैं अभी प्रारंभ में कहता, मेरे कारण ये त्रिगुण है, मेरी अधिष्ठानता में ये काम करते हैं। मैं ना हूं तो इन तीनों गुणों का कोई अस्तित्व नहीं है, हो गया। मम माया गुणमयी, देखो जी, गुणमयी, गुणमयी मतलब वही तीनों, सत्व रज तम। लेकिन ये कैसे है पता है, दैवी, किसी राक्षसी के पास नहीं, किसके पास, दैवी। भाष्य देखना, दैवो देवस्य मम ईश्वरस्य। और भगवत, किसी को नहीं समझ में आता ईश्वर तो नाम भी ले लेते, विष्णु हो, विष्णु हो, विष्णु मतलब भगवान विष्णु, कृष्ण, मम विश्व स्वभूता ही यस्माद यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्या। अब ये पंक्ति देखना, इसको पार करना बहुत कठिन है, किसको, और जब तक व्यक्ति माया को पार करेगा नहीं, मैं उसको मिलूंगा नहीं, ये पक्की बात है। मेरे मिलने के लिए तुमको पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे वे लोग प्राप्त कर लेते हैं। सरल संस्कृत है, माम एव मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं, कौन लोग, जो लोग इसको पार कर लेते हैं, किसको, माया। इसको पार करना मतलब मुझको पाना, इसको पार करने का अर्थ है मुझको पाना। किसको पार करना, बोले माया को, माया को पार करने का मतलब। अब लोगों ने माया को एक स्त्री बना दिया और बड़ा अजीब से एक मिस्टीरियस बना दिया, ये कुछ भी नहीं है ऐसा,
माया को पार करने का अर्थ क्या हुआ? यस, इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष का नाम क्या है? त्रिगुणातीताय, बियॉन्ड ऑफ ऑल गुणास, सत्व रज और तम, तीनों गुणों। इसलिए गुरुदेव का भी आप नाम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? त्रिगुणातीताय नमः। परेशान करने वाली जो चीज है वो कौन है पता है? माया। अब देखो इसको, और बड़ी दुरत्या, भगवान बोलते हैं आसान नहीं है इसको क्रॉस करना। अब एक आपको लक्षण दिखाऊं, एक बीमारी यदि लोभ की होवे, एक, तो उसने पूरे जीवन को क्या करके रख देती है? बर्बाद। कितनी वृत्ति ने? एक वृत्ति ने, देखो ममाया। इसलिए थोड़ा मिस्टीरियस मत करना ये सब। ममाया, ममाया मतलब मेरे तीनों गुण। मैं कहता हूं तीन गुण तो छोड़ो आप, एक गुण के असंख्य प्रभावों में एक गुण सिर्फ मैंने लिया, कौन सा? लोभ। एक यदि ये दुर्गुण है तो आप देख लेना पूरी जिंदगी का जो सुख और चैन है वो सब क्या हो गया? लुट गया। किसके कारण? अच्छा, लोभी के पास क्या है? नहीं, बोले है, है तो अब क्यों नहीं खुश होते? और चाहिए, होने का सुख नहीं है, न होने का सुख है, उसमें ज्यादा अपने को इन्वॉल्व कर रहा है। जो चीज मिला उसको उसने कभी नहीं देखा। कितना गुण है ये, कितना दुर्गुण? एक। अच्छा, एक क्रोधी स्वभाव, एक दुर्गुण है। बोले क्या? बोले क्रोधी है। वो क्रोध अगर जीवन में डोमिनेट करता है तो आपको पता है पूरा जीवन उसका क्या बन जाता है? नरक। कितने गुणों के कारण? एक। चरित्रहीनता हो गए, एक दुर्गुण है, उसने पूरे पूरी जिंदगी को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अब एक त्रिगुणों के ऊपर तो जरा निगाह डालना। अब किसी को मान लो मैं कहूं द्वेष की बीमारी हो गए, चलो या आपके नजदीकी बीमारी जलन, द्वेष, ठीक है। अब ये जलन आपको देखो रात दिन अगर ये बीमारी है तो सोते उठते बैठते चिंतन किसका होएगा? देख लो आप, मतलब एक छोटी वृत्ति ने जीवन में इतनी चीजें मिली उसको सब क्या कर दिया? बराबर कर दिया। किसने? एक दुर्गुण। अब रात दिन पटकनी देने में व्यक्ति लगा रहता है, देखो जी ऐसा मैं क्या करूं तो ये पटकी दे, वो क्या करे ये पटकी दे, ये करते करते पूरा सवेरे से शाम बीत गया। अच्छा, जो आपके पास है उसको एंजॉय किया? उसके पास उसके घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, पेड़ फूल पौधे पेंटिंग चित्र बेड, आपको पता उसने कभी ध्यान से देखा भी नहीं होगा कि मेरे पास ये चीजें, तो वे लाए क्यों थे? समय नहीं मिला मुझे उन चीजों को क्या करूं देखूं। देखो इतना बिजी हो तुम, हाँ कहाँ बिजी हो, मैं उसको लाकर रखना उसमें तो मैंने कर लिया, लेकिन अभी इतनी प्यास बाहर की बाकी है, ला ला के रखने में पूरी जिंदगी क्या हो गई, और जब खाने का समय आया तो डॉक्टर कहता आप खा नहीं सकते, जिंदाबाद करो आप। कभी मैं, अब मेरा ही शायद बचपना होगा, मैं कभी कभी जब हॉस्पिटल और इस सब आसपास से गुजरता हूँ तो देखता हूँ आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो वहीं चक्कर लगा रही हैं, दुखों में ज़्यादा चक्कर लगा रही हैं, सुखों में कम चक्कर लग रहा है।
दंगा फसाद कोर्ट कचहरी पुलिस हॉस्पिटल खूब गाड़ियां लगी हुई। गाड़ियों का आना जाना सत्संग में वो नहीं है, गाड़ियों को आ जाना किसी के सुख में नहीं है, लेकिन दुख में ओहो सोचो आप। इसे सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी चौपाई रही, जाई रही पाई बिनु पाई, ये बहुत ही सुंदर चौपाई। जाई रही पाई, कौन चीज जा रही है? जो चीज उसने पाई, लेकिन पाते हुए भी नहीं पाई बिनु पाई, होते हुए भी वो चीज मेरी, ये होता है कब? और इसके आगे की चौपाई क्या है? राम विमुख, ठीक है, ध्यान रख, राम के विमुख होने पर भी संपत्ति मिलती है। लोग बोलते हैं ना जो धार्मिक नहीं संपत्ति, अरे उनको भी मिलेगी। संपत्ति का लेना देना धर्म और अध्यात्म से एकदम नहीं है, याद रखना। बड़े नास्तिक है, कम्युनिस्ट हैं, उनको क्या नहीं मिलती क्या? लेकिन एक चीज है, जाई रही वो जा रही है, ये एक सच्चाई है। रुकी नहीं, ये एक सच्चाई है। बढ़ी नहीं, ये एक सच्चाई है। जाई रही दूसरी है, जिसलिए मुझे मिली थी मैं उस चीज में उसको प्रयोग पाई बिनु पाई। मम माया दुरत्या, एक गुण एक दुर्गुण आ जाए उसको पार करने में पूरा जीवन लग जाता है। सोचो तो आप, सोचो गुणों के कितने अंबार होंगे, त्रिगुणों के, कहीं एक साथ ही आ जाए काम क्रोध मद लोभ, ये एक साथ आ जाए तो जिंदगी बीत जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य, बहुत कठिन है, लेकिन ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ओर आते हैं वो कब आते हैं? जिन्होंने इस माया को क्या कर लिया, देखो वेदांत कहता है, इसलिए माया को पार करने का अर्थ है अंतःकरण को शुद्ध बनाकर ज्ञान अर्जित करो। माया मतलब त्रिगुण कहां है? अंतःकरण में। इनमें पहले क्या हासिल करो? जीत हासिल करो। आगे कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।